हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका छोटा भाई साहिल, आज हो चुके है 11th of July, टाइम हो चुका है 10:30 सुबह के, और अक्की भैया रात को आ गए थे, बट मैं उनका कॉल नहीं पिक कर पाया। रात को क्या हुआ, मैंने स्पेशली DND से फ़ोन हटाया। मैंने कहा अक्की भी आ रही होंगे, मेरे को फ़ोन पिक करना है। पंगा क्या हो गया, राइट हैंड साइड पे मैंने अपना फ़ोन रखा, फ़ोन हो गया साइलेंट और ऊपर से गया बेड से नीचे गिर। भैया ने रात को काफ़ी फ़ोन कॉल वगैरह किए, बट अपन पिक ही नहीं कर पाए। सुबह उठा, मेरे दिमाग ख़राब हुआ ना, मैंने रात को भैया का फ़ोन पिक नहीं किया, कैसे हो सकता है। मैंने उठा, फिर भैया को दोबारा कॉल आया सुबह 7 बजे कि 9:30 बजे मिलते हैं। मैंने ठीक है, भैया आ गए थे 9:30 बजे यहाँ पर होटल, चाय वाय मारी अभी अपन ने साथ में तो मिलवा देता हूँ मैं आज आपको अक्की भैया से। साथ में हम राइड करने वाले हैं, पिछले आगे वाले जो आने वाले साथ देने ना, दोनों भाई साथ में राइड करने वाले हैं फुल ऑन मस्ती के साथ। हाय, तो आज से राइड चालू होगी। प्लान एक ही है, एंजॉय करना है, एंजॉय करना है, और उसके बाद सिर्फ एंजॉय करना है, दैट्स ऑल। और एंजॉय के लिए तो इतनी दूर से आते हैं यार पाजी। जो आए हैं वो नागपुर से आए हैं। बेसिकली ये सुमित भैया के फ्रेंड है, और सुमित भैया से इन्होंने बाइक रेंट करी है, और अभी फुल ऑन मस्ती के लिए निकल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं सुमित भैया के पास। अभी हम गियर अपनी कर रहे हैं, लोडिंग भी नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल भैया की बाइक जो है रेंटेड है, वो वहाँ से पिक करने, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है, वहाँ से बाइक लेके आते हैं। फिर अभी यहाँ से हो चुका है डन अपना, अब अपन निकल रहे। अक्की भैया रेडी हो चुके हैं, सामान बाइकों पर लोड हो चुका है, मैं बाइक पर लोड करने जा रहा हूँ। होटल का चेकआउट कर चुका हूँ, अभी चल रहे हैं नीचे। KC रॉयल होटल है जीरकपुर में, अच्छे बंदे हैं यहाँ पर, बहुत प्यार दिया है सब ने सीरियसली, और जगह काफ़ी अच्छी है जीरकपुर, नो डाउट। अभी अब पहुँच के फिर आपको बताता हूँ क्या सीन है, और मिलते हैं अभी रास्ते में GoPro पर। सो फाइनली अभी यहाँ से निकल रहे हैं सुमित भैया के पास से, द बुलेट कैफ़े से। बाइक रेडी है, ये अपने सुमित पाजी हैं, लिटरली दादा प्यार हो जाएगा इनसे। इनका नेचर जो मैंने सोचा नहीं था ना, बहुत ऊपर लेवल के निकले उसमें नेचर पर। ठीक है पाजी, लव यू, बाय बाय, जाओ मस्ती करो, बाय बाय, तो कॉल कर लेना, ठीक है, डन डन, ओके पाजी, आओ भाई, टेक केयर, बाय बाय बाय। तो पाजी को करते हैं अलविदा, टाटा पाजी, लव यू, बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं जल्दी वापस में। करते हैं आज की राइड स्टार्ट, आ जाओ की भाजी। भाई पानी निकल रहा है, लिटरली तेल पानी सब निकल गया यार, इतनी तेज गर्मी है। ऊपर वाले बरसात कर दो यार आज तो, यार मजा आ जाएगा। भाई सिटी से कोई भी हो, सिटी से निकलना ना सबसे बड़ा औखा काम है। सब तो वधिया लगता है ना सानू हाईवे, जब बंदा हाईवे से चढ़ गया ना ता फिर उड़ता ही जावे हवा वर्गा। चंडीगढ़ इतने बड़े रूल है ना, रूल और रेगुलेशन बड़े ही दिमाग तो पार ने बंदे दे। इधर का एक सब तो वड्डा रूल मैनू पता की लगता, तुसी चप्पला तो गड्डी नहीं चला सकते, ते तुसी चप्पला तो बाइक भी नहीं चला सकते। जे बाइक है गड्डी चलावनी है ते तुहानू 110% जुत्ते पौनी है पौने है। सो फाइनली अभी आ चुके हैं अपन हाईवे पर, और लिटरली अभी जो सुकून मिल रहा है ना हाईवे पर आके, ओहो अलग लेवल का सुकून था। तो कुछ दो राइडर्स और हैं, वो भी शायद लद्दाख की साइड ही जा रहे हैं, एंड मुझे लगता है अपने पड़ोसी हैं भाई, जयपुर नंबर बाइक थी। बाकी आगे रुकते हैं तो बात बात करेंगे इनसे।
देखते हैं कहाँ के हैं, कहाँ जा रहे हैं, साथ में चलेंगे तो वेल एंड गुड। भाई आज बहुत लंबा रन है यार, मतलब अभी है भाई अपन आ चुके हैं करीबन 100 किलोमीटर के अराउंड और अभी भी 300 किलोमीटर के अराउंड है, मतलब आज है 9 घंटे की राइड कम से कम, तो रात को बच जाएंगे आराम से 9। और आज आपको मैं बताता हूँ रूट, अपन क्या रूट से आए हैं। अगर आप चंडीगढ़ से तरफ से आ रहे हो तो आपके लिए दो रास्ते हैं, एक तो आप जा सकते हो लुधियाना होते हुए, अपन जा रहे हैं कसौली होते हुए, कसौली एक जगह है और वहाँ से अपन उससे पहले ही टर्न कर लेंगे होशियारपुर होते हुए। ये रूट है ना मतलब अच्छा है, स्पीड वेव बना हुआ है, मतलब आप मतलब आपको फील नहीं होगा कि आप कब कब में क्रॉस कर गए, स्पीड अच्छी चलेगी इधर। सॉरी कुराली है, ये कुराली रूट पड़ता है यहाँ से, आप बिल्कुल इस रूट पे डल जाओ और भागते चलो भाई, रुकने की कहीं किसी को कोई लोड है ही नहीं, फुल ऑन फील मस्ती चलने भाई। रोड ऐसा हो ना तो लिटरली मज़ा ही आता है राइड का, चलने दो चलने दो चलने दो। अभी लिटरली जो फील आ रहा है ना सामने हल्के हल्के, देखो आपको अगर दिख रहे हो तो पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे हल्के हल्के, हमें इनसे खुशी मिलना स्टार्ट हो गई, मतलब राइड में ना एक सुकून आना स्टार्ट हो गया, सीरियसली जो फील आ रहा है ना अभी अमेजिंग। मुझे तो बहुत अच्छा फील आ रहा है, आप लोगों को कैसा फील आ रहा है ये बताओ। डैम टाइप में बना हुआ है, काफी अच्छा लग रहा है, वो पीछे कुछ अच्छा सा बना हुआ है, पता नहीं फैक्ट्री है क्या है बट बहुत अच्छी लग रही है वो। रह गया है फगवाड़ा 86, बांगा 54 एंड नवान शहर 39। स्पीड लिमिट्स ओके बट वी आर ऑन 100। ना हाथ लगाने की जरूरत नहीं, आराम से बैठ जाओ लेट जाओ कुछ भी करो, डू व्हाट एवर यू वांट टू डू। सुहाना ये मौसम, सुहाने ये है रोड, आनंद आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, कुछ भी हो फुल फील फुल जोश। भाई जो क्रूजिंग करने में मजा आ रहा है ना सीरियसली अमेजिंग।
हाँ जी, तो अभी अपन पहुंच चुके हैं मनेसर लेक से ऊपर, और कौन सी जगह है अंकल? बटर मोड़। ये जगह है बटर मोड़, अपने को मिला एक ढाबा। अंकल का नेचर बहुत अल्टीमेट है भाई। अपन ने राजमा खाया, कढ़ी खाई और दाल खाई, रोटियां खाई। बिल कितना बना दोनों भाइयों को? सिर्फ 210 रुपये। बहुत रीजनेबल प्राइस ले रहे हैं, लिटरली हेड्स ऑफ। इतनी खाली रोडों पे, सुनसान रोडों पे एक ही ढाबा मिला अपने को, और लिटरली खाना बहुत अच्छा था। एक तो ना जान ले ली आज बारिश ने, बारिश पूरे रास्ते अपने को बारिश मिली। उसके बाद अपन ने गोप्रो रख दिया, तो रिकॉर्डिंग की फुटेज इतने मिल नहीं पाएंगे आपको, बट होप करूँगा जितना लॉन्ग व्लॉग कर सकूँगा, शॉर्ट करूँगा, जो भी होगा आपके लिए होगा। सपोर्ट करना बस अपने छोटे भाई को, आपका छोटा भाई आपके लिए करता रहेगा। और ये अपने ढाबे वाले अंकल हैं जिन्होंने अपने को खाना खिलाया। अंकल ये किस जगह पड़ता है अपना? बटर मोड़ जी। बटर मोड़ जी। किस नाम से अपना ढाबा? अपना ढाबा है माँ वैष्णो पंजाबी ढाबा। माँ वैष्णो पंजाबी ढाबा जी सर। ये यहाँ के ओनर हैं, ये साथ में दोनों भैया हैं, इनके बेटे हैं। गाड़ी है। अच्छा, आपकी गाड़ी। चलो, काफ़ी अच्छा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस। उधमपुर, तो आज का स्टे उधमपुर या उससे आगे चलने का है? फाइनल आज उधमपुर। फाइनल हो गया आज उधमपुर। यहाँ से 29 किलोमीटर। मज़ा आ रहा नहीं आ रहा आपको? बहुत बहुत, अभी तो बॉडी गर्म हुई है। अच्छा, बॉडी गर्म हुई है, वार्म अप हुई है बॉडी। चलो, कल से एंड्यूरेंस टेस्ट रहेगा ना। अच्छा, तो आज अपन ने बॉडी गर्म करी है, मतलब जस्ट वार्म अप। चलो जी, फिर उधमपुर में पहुंच के अगर रूम लेके फिर आपसे मिलते हैं, वहीं आपसे बैठ के बातें करेंगे। अभी अपन पहुंच चुके हैं पटनी टॉप। सुबह से 400 किलोमीटर बाइक चला चुके हैं हम, और पटनी टॉप भी हम पता नहीं कैसे कैसे पहुंचे हैं। पहले आगे निकल गए थे टनल से, देन वापस आए वहां से 14-15 किलोमीटर, और नींद इतनी तेज आ रही है, थकान इतनी ज़्यादा हो रखी है, हद का लेवल पार। रास्ते में जो बारिश मिली ना, इतना दिमाग खराब हुआ उस बारिश से, गोप्रो हटाना पड़ा मुझे उसकी वजह से, रिकॉर्ड नहीं कर पाया। जो फुटेज है वो लास्ट है, उसके बाद बरसात, तो मुझे गोप्रो खोल के अंदर रखना पड़ा। और जो बारिश रही है रास्ते में, ओफो। और अभी हम पहुँचे पटनी टॉप प्रेम पैलेस, होटल प्रेम पैलेस, तो सेफली पहुँच गए हैं। टाइम बताऊँ टाइम कितना हो रहा है? 2:30 बज रहे हैं भाई। और कब के निकले? सुबह 11 बजे 12 बजे के भैया, 12 बजे कह रहा हूँ, वहाँ से निकल गए थे चंडीगढ़ से, रात को 1:30 बजे आके रुके। अक्की भैया से पूछते हैं इनके क्या हाल चाल है। हाँ जी अक्की भैया, क्या हाल चाल है? अभी बिस्तर मिल गया है। अच्छा, लाइट बंद होगी तो फिर पता भी नहीं चलेगा कब नींद लगेगी। अच्छा, तो आप... चलो इंसान तो लग रहा हूँ। तो पहले क्या थे भैया? अभी आप किसी ने मिट्टी में डुबा के निकाला हो। मिट्टी में डुबा के? नागपुर में भी इतनी मिट्टी नहीं होगी है भाजी। क्या बोलेंगे उसको, मड बात। मड बात, बट ड्राई मड बात है। ट्रकों के टायर से उछलता हुआ। तो व्लॉग को करते हैं एंड। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो भी मेरे चैनल पर नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, छोटे भाई को सपोर्ट दो यार। ठीक है जी, तो मिलते हैं कल आपसे नए रूट पर, नई तैयारी के साथ। सच पास, क्या सुना? सच पास, यस। तो कल निकलेंगे सच पास के लिए। अभी आ रही है बहुत तेज़ नींद, अभी तो ऐसा लग रहा है बस घर गए हैं, बट घर तो नहीं आ सकता। होटल में अच्छे से पहुंच गए हैं, सोने का टाइम हो गया है, सोते हैं। कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा, लव यू, बाय।